करवाने बाकी थे एंड 1-1 का हो गया था। तो आज हम कर लेते हैं ऑन टू फंक्शंस एंड 1-1 एंड ऑन टू का जो भी होगा हम साथ में क्वेश्चंस कर लेंगे उनके, ठीक है? चलेगा? ओके चलिए भाई स्टार्ट करें कि कुछ लोग और आते हैं, 2 मिनट और रुक लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, तब तक कुछ रिवाइज कर लेते हैं अपन, ओके? यस सर। ठीक है। अच्छा तो आपने दो तरह के लाइन मतलब टेस्ट पढ़े होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट, राइट? यस सर। तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल किसके लिए काम आता है, किस चीज के लिए यूज करते हैं? हाँ जी अरे हमने अपने पढ़ा होगा ना बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं किसी भी ग्राफ के ऊपर तो हमें क्या पता चलता है? डोमेन पता चलता है। यस सर। तो फिर 1-1 को चेक करने के लिए क्या करते हैं फिर? सर हॉरिजॉन्टल लाइन ही। हाँ जी यूज करते हैं। ओके तो आप बोल रहे थे डोमेन जो चेक करने के लिए करते हैं। सर 1-1 के लिए भी करते हैं। ओके चलिए ठीक है बेटा, डोमेन चेक नहीं होता है बेसिकली। अगर आप वैसे बोलना चाहो कि भाई अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टच कर रहे हैं तो बस वो हमें वहां पे पता चलेगा कि वो लाइन कितनी बार उसको कट कर रही है, ठीक है? तो जितनी बार कट कर रही होगी वो देखेंगे हम, अगर एक बार कर रही होगी सिर्फ तो वो हो जाएगा 1-1 फंक्शन, अदरवाइज अगर 1 से 2 भी हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शन हो जाएगा? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी ग्राफ को 1 से ज्यादा पॉइंट पर कट कर देती है तो फिर वो कौन सा फंक्शन होता है? मैनी वन। गुड गुड। और अच्छा अगर मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी किसी के किसी भी ग्राफ के ऊपर और अगर 1 से ज्यादा बार वो कट कर गई तो फिर क्या होगा? वर्टिकल लाइन। हाँ जी सर। तो वो तो फंक्शन ही होगा ना। नहीं क्या क्या बोल रहे हो बेटा? वो 1-1 फंक्शन ही होगा ना मतलब। नहीं नहीं बेटा, 1-1 फंक्शन के लिए तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, वो कितनी बार कट करेगा फिर वो 1-1 बताएगा कि है कि नहीं है, मतलब बताएगा कि 1-1 है या फिर कौन सा मेनी वन है। लेकिन अगर मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी एंड वो फंक्शन के ग्राफ को अगर 2 बार कट कर गया तो फिर क्या होगा, वो कौन लाइक वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा? बेसिकली मैं आपको बता दूं कि भाई अगर हम किसी फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, होगा फंक्शन। तो अगर हम एक उसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं अगर 1 से ज्यादा बार कट कर गया हो तो क्या होगा कि वो फंक्शन नहीं होगा फिर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है बेटा मेरी सभी लोगों को? यस सर। ओके चलिए ठीक है। ओके सो लेट सपोज मेरे पास कोई भी फंक्शन है, लेट सपोज एक्स स्क्वायर ले लेते हैं सर। ओके सो एक्स स्क्वायर का फंक्शन ऐसे इसका ग्राफ ऐसे बनता है यू शेप में, राइट? है ना? यस सर। तो अगर इसके ऊपर मैं कहीं पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो क्या होगा, एक ही बार कट कर रही है ना इसको, राइट? यस सर। ऐसे करते हैं। देखिए कोई भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए कहीं से भी करिए, ठीक है, वो फंक्शन के ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है? सिर्फ 1 बार कट कर रही है, राइट? है ना? हाँ जी। तो फिर ये क्या होगा कि ये भाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम फंक्शन बोलते हैं कि ये फंक्शन है, राइट? यस सर। हाँ कि ना? ओके लेकिन अगर मैं कुछ और ले लू जैसे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 तो इसका ये क्या है, ये किसकी इक्वेशन लिखी है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सर्कल पढ़ा था बेटा 11th में पढ़ा तो था सर। ओके तो भाई सर्कल का आपको लाइक ऐसे बनेगा ना, अरे आज डायग्राम नहीं बन रहे। ओके
ठीक है भाई, ये एक सर्कल है भाई, बुरा मत मानना, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी आ रही है अभी। तो भाई ये वन रेडियस का सर्कल है ना, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या होता था भाई, जो भी राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है वो क्या होती थी हमारी रेडियस, लाइक इस फॉर्मेट में रहता था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कौन सा सर्कल है जो कि आपकी वन रेडियस का सर्कल है एंड इसका सेंटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का 0.0 सर्कल सेंटर है इसका, राइट? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर, यस सर, है ना? तो ये इसी से कंपेयर अगर हम करें तो इसमें रेडियस कितनी आ रही है, 1 आ रही है, राइट? एंड इसमें जो इसका सेंटर है वो क्या है, 0.0 है ना? तो अगर अब मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, कितनी बार कट कर रही है, एक से ज्यादा बार कट कर रही है ना सर्कल को, तो ये क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है? ओके, तो हम बेसिकली दो टेस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल किसके लिए करते हैं, वर्टिकल किसके लिए करते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है जो जिसका ग्राफ है, ठीक है? यस सर। चलिए ये तो लाइक थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? आज का हम स्टार्ट करते हैं भाई, 31 स्टूडेंट्स है हमारे साथ। ओके, सो कल आपने बेटा बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में कितने मेनली कितने टाइप के आपके पास फंक्शन होते हैं? हाँ जी बेटा, जोर से बोलो थोड़ा सा। फोर टाइप्स के। ओके, तो फोर टाइप्स के क्या क्या होते हैं, एक होता है वन वन, एक होता है मेनी वन, ठीक है, एंड एक होता है ऑन टू और दूसरा होता है इन टू। ओके, लाइक जो मेनी वन, जो वन वन होता है वो मेनी वन नहीं होता है, या तो वन वन होगा या फिर मेनी वन होगा, राइट? क्लियर है? yes, और ऐसे ही या तो ऑन टू होगा या फिर इन टू होगा। ओके, यस सर, ठीक है भाई। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शंस। ओके, तो ऑन टू फंक्शन बेसिकली है क्या? ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई लेट सपोज हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी, ओके, तो लेट सपोज कि यहां पर मेरे पास कोई तीन एलिमेंट है, ठीक है, एंड यहां पर लेट सपोज यहां पर भी तीन एलिमेंट है। ओके, अगर सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से लाइक यहां पर इनका कुछ कुछ चल रहा है, हमें नहीं पता, कुछ कुछ चल रहा है इनका, ओके, तो क्या ये लाइक ऑन टू फंक्शन होगा या इन टू फंक्शन होगा, तो हम उसी बारे में कमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो पहले तो मुझे बताओ, अच्छा इस सेट ए को मैं क्या बोलूंगा, अगर ये ए से बी में मैपिंग हुए तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको डोमेन बोल सकता हूँ? यस सर, यस सर। और इसको क्या बोलूंगा, सेट बी को? किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना कि ये रेंज है? गलती से भी नहीं आना चाहिए। ओके, अच्छा जी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के लाइक सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से लाइक यहाँ पर मैप्ड है, राइट? ओके, यस सर। ओके, ठीक है, अभी एक और केस बनाते हैं हम जिसमें कि सारे जो है उसमें मैप नहीं है। ओके, हाँ जी, ओके, लेट सपोज ओके हमारे पास ऐसे ये दो केसेस हैं, ठीक है, ओके, तो भाई अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई जो हमारा फर्स्ट वाला केस है इसमें क्या हो रहा है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे मैप्ड है, राइट? यस सर, है ना? और इधर सेकंड में क्या हो रहा है कि सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा बच जा रहा है जो कि किसी भी सेट ए के किसी भी एलिमेंट से मैप्ड नहीं है, राइट? यस सर, ओके, ओके, तो भाई
क्या होगा, बेसिकली ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन ही वही होती है कि अगर को डोमेन इज इक्वल टू रेंज अगर हो जाए, क्या हो जाए, अगर को डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शंस बोलेंगे। और अगर कोई एक एलिमेंट सेट भी में ऐसा रह जाए जो कि किसी के साथ मैप्ड नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, इनटू, इनटू। ओके, जैसे कि वन वन था एंड मेनी वन था, उन दोनों का पेयर था, ऐसे यहाँ पर पेयर है ऑन टू एंड इनटू का, या तो ऑन टू होगा या फिर क्या होगा, इनटू होगा। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके ठीक है भाई, तो थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ द फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड एज ए टू बी, ठीक है, ये ए टू ए से बी में डिफाइंड है, सच दैट ईच एलिमेंट इन बी व्हिच इज कोडोमेन इज द एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। समझ में आया कुछ, नहीं आया होगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से लाइक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि अगर एलिमेंट जो है वो, अगर बी सेट का एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, लाइक जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये यहां पर सेट ए के एक एलिमेंट से मैप्ड है, राइट, ओके okay? yes. जैसे सेकंड एलिमेंट को देखे तो वो सेट एक एक एलिमेंट से मैप्ड है, तो वही बोल रहा है कि ये जो सेट बी के एलिमेंट है वो एटलीस्ट एक सेट एक एक एलिमेंट से मैप्ड होने चाहिए। क्लियर है सभी लोगों को? हाँ जी, ओके। बेसिकली सीधी सी बात ये है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अनमैप्ड है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है सेकंड केस में, ठीक है। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट बच जाता है जो कि किसी के साथ मैप नहीं है तो वो क्या होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। ओके, तो आप बहुत ये पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये याद रखिए, को डोमेन इक्वल टू रेंज देन ऑन टू अदरवाइज व्हाट, इनटू, ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? ओके, तो यही है कि रेंज इक्वल टू को डोमेन देन एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू अदरवाइज द फंक्शन विल बी व्हाट, इनटू फंक्शन, ओके ठीक है, यस सर, ओके। चलिए जी, तो यहाँ पर बेसिकली वही जो मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर वही है कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए से मैप्ड है, राइट, कोई भी एक ऐसा भी एलिमेंट नहीं है सेट बी में जो कि अनमैप्ड है, ओके क्लियर है? ओके ठीक है, एंड या ऑन टू, जैसे कि हम वन वन का एक और नामकरण बताया होगा आपको, राइट, वन वन का एक और नाम क्या है भाई, इंटरजेक्टिव, इंजेक्टिव, इंटरजेक्टिव नहीं बेटा, इंजेक्टिव, ओके ठीक है। तो ऐसे ही ऑन टू फंक्शन का भी एक निकनेम है, क्या नाम है, सर्जेक्टिव, ओके क्लियर है, ठीक है, ओके। हाँ जी बेटा, सर क्या बोला, रिपीट करेंगे आप? ओके बेटा, जैसे वन वन का एक निकनेम होता है, राइट, क्या निकनेम होता है, इंजेक्टिव होता है, राइट, है ना, तो ऐसे ही ऑन टू का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, सर्जेक्टिव, ओके क्लियर है? यस सर। ओके चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़े? यस सर। ओके अभी भाई वापस से वही इनटू फंक्शन का हमने देख लिया था, इनटू फंक्शन का क्या बोला था हमने कि भाई अगर सेट बी में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट रह जाता है जो कि अनमैप्ड है सेट ए के एलिमेंट के साथ तो वो कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा, ओके क्लियर है? यहां पर सीधा सा लिख देते हैं, अगर को डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज देन कौन सा फंक्शन होगा भाई, इनटू फंक्शन होगा, ओके ठीक है, यस सर। और चाहे
सिर्फ एक ही एलिमेंट हो ऐसा, भाई एक ही मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है, वही वाली बात हो गई यहाँ पर, ठीक है, एक ही खराब मछली, ओके क्लियर है? यस सर, ओके चलिए जी, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक। जैसे कि इनटू फंक्शन में यहाँ पर देखिए सेट बी में दो एलिमेंट ऐसे बच रहे हैं जो कि किसी के साथ मैप नहीं है, भाई इनका जोड़ा किसी के साथ नहीं बना, भगवान ने भी इनको भेज दिया पर किसी, भगवान जोड़ी बना के भेजते लेकिन इन दोनों की जोड़ी बनाना भूल गए, ठीक है। सो इन दोनों की यस जोड़ी बनी नहीं तो ये क्या कर देंगे, ये वही दो खराब मछली है, ठीक है। तो ये खराब मछली क्या करेगी, ऑन टू को इन टू में चेंज कर देगी, ठीक है, ओके यस ओके। भाई यहाँ पर भी सेम ऐसा ही केस बन रहा है कि दो एलिमेंट ऐसे हो जा रहे हैं सेट बी में जो कि किसी के साथ मैप नहीं है, ओके क्लियर, यस सर, एनी यस डाउट सर, टिल नाउ? नो सर, ओके भाई आज डाउट नहीं आ रहे आपको लोगों को? अच्छा चलिए मुझे बताइए कि ये जो आपका फर्स्ट वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें आपको बताना है कि ऑन टू है कि इन टू है, एंड वन वन है कि मेनी वन है, ये दोनों बना बताना है, ठीक है, वन वन है या फिर मेनी वन है, फर्स्ट वन वन है, फर्स्ट फर्स्ट वन वन है, वन वन ओके सर, सेकंड इन टू है, फर्स्ट बेटा फर्स्ट वाले में ऑन टू एंड इन टू का भी बताइए ना, ऑन टू नहीं है, यस ऑन टू है या नहीं, नो सर, ऑन टू यस है सर, बिल्कुल, क्योंकि सारे बी सेट के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से मैप्ड है, राइट यस क्लियर, ओके। अच्छा सेकंड सर, वाला बता दीजिए यार, इन टू और मेनी इन टू वन, एंड मेनी वन, वेरी गुड, इन टू एंड मैनी, मेनी अच्छा वैसे मैनी वन क्यों बताया आपने, सर, एक एक्स्ट्रा भी है कहां पर? सर, सेकंड में, आर यू श्योर इट इज मैनी वन? नो सर, नो सर, अच्छा वन वन की डेफिनेशन क्या है? हाँ जी वन भाई वन वन की डेफिनेशन उसके नाम में है, वन सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से है, मैप्ड होना चाहिए, तो भाई सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैप्ड है, क्लियर, तो ये मेनी वन होगा कि वन वन होगा, वन वन होगा पक्का, आपकी बात सही बोल रहे हो, यस सर, ओके क्लियर है, ओके यस सर, ठीक है। तो इसको हटा दें हम फिर यहां पर कर दें वन वन, यस सर, ओके चलिए जी, थर्ड वाला बताइए, मैनी सो मैनी वन, मैनी वन, वन, ओके मैनी ओके वन, एंड इन टू, वाई इन टू, इन टू क्यों है ये, नहीं सर, ऑन टू है, ऑन टू होगा ना, यस सर, भाई ऑन टू होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बी सेट में दो ही एलिमेंट है और दोनों के दोनों मैप्ड हैं, क्लियर, भाई अगर यहाँ पर कोई एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट होता जैसे कि अगर अभी ये है तो फिर ये होता कि भाई ये इन टू हो गया, बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट हो गया जिसका किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा, ओके ठीक है यस ओके चलिए जी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑन टू, क्लियर है, सर, ओके। अच्छा फोर्थ वाला बता दीजिए यार, इनटू इनटू होगा, ऐसा, ओके एंड वन वन और मेनी वन, तो मैनी सर, वन, हाँ जी मैनी मेनी वन, कोई ऐसा है जो वन, वन वन बोल रहा है, नो सर, ओके चलिए जी ये वेनी मेनी वन कर देते हैं फिर इसको। तो भाई ये सभी को क्लियर हो गया कैसे हमने देखा है डायग्राम्स के थ्रू, यस मैपिंग के थ्रू, सर, ओके ओके जी चलिए आगे बढ़े फिर, किसी को कोई यस डाउट सर, यहाँ तक, ओके यस चलिए जी ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही है कि जस्ट उसका आंसर लिख रखा है, नथिंग एल्स, ठीक है ओके। सो यहाँ पर हमारे पास एक नोट पॉइंट है, क्या है कि अगर कोई एक फंक्शन एफ, इफ फंक्शन एफ
जो है वो इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है, मींस वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एक और हमने नामकरण दिया है बाइजेक्टिव, ठीक है। मतलब क्या बोला हमने कि वन वन एंड ऑन टू, अगर ये दोनों हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे उस फंक्शन को, बाइजेक्टिव। ओके ठीक है भाई, भाई बाइजेक्टिव के जैसे कि हमने वन वन के नाम दिए, ठीक है, इंजेक्टिव का काइंड ऑफ, तो ऐसे बाइजेक्टिव के और भी नाम है, क्या नाम है, इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर, बाय यूनिफॉर्म, तीन और नाम है, ठीक है। ये इतने रेगुलर यूज नहीं होते बट फिर भी हमको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया कि इफ ए बाय यूनिफॉर्म फंक्शन, तो फिर अब आपको खुद से सोचना पड़ेगा बाय यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। तो बाय यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हाँ जी, बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन एंड ऑन टू, क्लियर, क्लियर है, यस सर, ओके। चलिए जी ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास नोट पॉइंट है कि कोई एक फंक्शन है जो कि एक पॉलिनोमियल है और कहां से कहां तक डिफाइंड है, आर से आर तक। ये इसका मतलब तो समझ में आता है ना भाई आप लोगों को, कि कोई फंक्शन है और ये आर टू आर लिख दिया है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, कोई फंक्शन है और ये आर टू आर में से डिफाइंड है, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे इस आर का मतलब क्या बेटा, आर मतलब रियल ये, हाँ जी, ये फर्स्ट में जो मैंने आर लिखा है इसका मतलब क्या है यहाँ पर, डोमेन, डोमेन, ओके। एंड ये जो आर लिखा है इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कोडोमेन, ओके गुड। तो कोई भाई जिसका डोमेन भी आर है एंड कोडोमेन भी आर है, मतलब जनरली हमने किस टाइप के फंक्शन ले लिए, y इक्वल टू x, x स्क्वायर, यस बेटा, रीमा डाउट है आपको, नहीं सर, कांग्रेस को वोट देने का मन कर रहा था तो हमने पंजा ऊपर कर दिया, राइट, ओके। चलिए जी, तो इस सेकंड में जो आर लिखा है हमारे पास वो क्या है, बेसिकली एक कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर, ओके, हाँ जी। तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होती है भाई, कोई भी जैसे कि मैं y इक्वल टू x लिख दूं, या फिर x स्क्वायर लिख दूं, या फिर x क्यूब लिख दूं, या फिर कुछ ऐसे भी लिख दूं भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लूं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर ये पॉलिनोमियल इवन डिग्री का हो, इवन डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, इवन डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री बताओ, पॉलिनोमियल में डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, वेरी गुड। किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर रहती है वो ही डिग्री होती है, जैसे कि फर्स्ट में वाई इक्वल टू एक्स में यहाँ पर पावर वन है ना, हाईएस्ट पावर वन है तो इसकी डिग्री वन हो जाएगी, सेकंड में हाईएस्ट पावर टू है तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, राइट, क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक, तो ये यहाँ पे जो डिग्री है इसकी टू है, ओके, एंड थर्ड में एक्स की पावर थ्री है, हाईएस्ट पावर है हमारी थ्री, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, क्लियर। अब ये जो फोर्थ वाला है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, टू, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, टू, क्लियर, यस सर, ओके। सो अगर इवन डिग्री, इवन डिग्री मतलब समझते हो ना भाई, टू के मल्टीप्लीकेशन में, ओके, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन, तो अगर इवन डिग्री होगा तो क्या होगा कि इट विल बी नाइदर बी इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अच्छा जी, ऐसा क्यों बोल रहा है ये, कोई बता सकता है मुझे कि लेट सपोज भाई इवन डिग्री, लेट सपोज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, ये इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव क्यों नहीं है, कोई बताएगा, फिर इंटीजर बन जाएगा वो, हाँ जी बेटा क्या हो जाएगा, इंटीजर, बेटा आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलिए सर, स्क्वायर से वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन जाएगा, मींस समझ में नहीं आया बेटा आप क्या बोल रहे हो,
सबसे पहले अच्छा इंजेक्टिव मतलब वन वन की बात करिए, तो क्या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन वन है कि नहीं है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? यू शेप का बनता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यस सर, राइट। तो इसको हम भाई हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से बता सकते हैं ना कि भाई ये वन वन है कि मेनी वन है, राइट। तो क्या ये इंजेक्टिव है? नो सर। क्या ये इंजेक्टिव है? नो सर। नहीं है ना, वन वन नहीं है। और क्या ऑन टू है? ऑन टू है या नहीं है? नो सर, नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? हाँ जी बेटा, क्यों नहीं है? कोड ऑन टू या इनटू फंक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसकी? मैंने क्या बताया आप लोगों को अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में? कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। ओके, तो इसका कोडोमेन कितना है बेटा? इस फंक्शन में कोडोमेन कितना दिया है हमें? आर, मतलब ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। दुनिया में जितने भी रियल नंबर है सभी आ जाओ, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज क्या है, मुझे रेंज बताओ। हाँ जी, इसकी रेंज बताइए मुझे। हाँ जी बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी होती है? जीरो टू इन्फिनिटी। बिल्कुल, रेंज होती है इसकी जीरो टू इन्फिनिटी। तो जीरो को मैं क्लोज ब्रैकेट में कर रहा हूँ एंड इन्फिनिटी को कौन से वाले ब्रैकेट से क्लोज करूंगा? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, बिल्कुल। एंड जीरो पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर y इक्वल टू जीरो दे देता है। ओके, क्लियर सर। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि हमने इलेवंथ में पढ़ा था कि भाई यहाँ पर ये ग्राफ है तो भाई y एक्सिस पे लाइक इसकी y एक्सिस पे शेडो बना लो तो वो आपकी रेंज हो जाएगी। भाई आप इधर से लाइट डालो या फिर इधर से लाइट डालो, दोनों तरफ से लाइट डालो तो y एक्सिस पर जो लाइक मिनिमम शेडो आएगी वो कहां से आएगी? x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा हमारा शेडो, राइट? अरे हाँ या ना? Yes, अरे भाई जैसे कि ये हमारे पास कोई शेप है, मैं इधर की साइड से भी अगर लाइट डाल रहा हूँ, इधर की साइड से भी लाइट डाल रहा हूँ, ठीक है। भाई बचपन में क्या होगा ना, आपने कुछ रोड या कुछ भी दे रखा होगा, उसके ऊपर टॉर्च जला दी, उसका फिर वहां पे परछाई बनती है, बनती है, रिफ्लेक्शन बनता है। अरे हाँ या ना, करा है कि नहीं करा है? Yes, sir. Okay? तो इसकी जो लाइट डाले आएगी वो कहां से स्टार्ट होगी? बिल्कुल y इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगी एंड कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी, राइट? यस सर। है ना, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? क्लोज जीरो टू ओपन इनफाइनाइट, क्लियर? यस सर। तो अब मुझे बताइए कि क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल है? क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल है? नो सर। नो सर, नहीं है, क्योंकि भाई कोडोमेन में तो हमारे नेगेटिव रियल नंबर्स भी आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? यस सर। लेकिन क्या हमारी रेंज में जो है वो आ रहा है क्या नेगेटिव नंबर्स? कोई नो सर, नहीं आ रहा है ना। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, तो ये ना तो वन वन है और ना ऑन टू फंक्शन है, क्लियर? यस सर। तो आप किसी भी इवन डिग्री को पकड़ लो, भाई y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू x की पावर 4 का बनाओ, y इक्वल टू x की पावर 6 का बनाओ, सभी का सेम ग्राफ बनेगा, बस नंबर आगे पीछे हो जाएंगे। नंबर आगे पीछे हो जाएंगे मतलब कि भाई यहाँ पर जो हम पूरा एकदम प्रॉपर ग्राफ बनाते हैं x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या है, वो चेंज हो जाएगा, बाकी और सब लाइक ग्राफ ऑल इसी तरह का बनेगा आपका। ओके, यू ही शेप का बनेगा, क्लियर है? यस सर। ओके, तो फर्स्ट वाला नोट पॉइंट समझ में आ गया आप सभी लोगों को? कोई भी पॉलिनोमियल लो आप लोग, अगर वो जो है इवन डिग्री की है तो ना तो वो वन वन होगी और ना ही क्या होगी? ऑन टू। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके चलिए जी, तो अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं कि क्या है कि अगर कोई हमने पॉलिनोमियल ली जो कि ऑड डिग्री की है, ऑड डिग्री की है मतलब, हाँ जी, 3 का इनटू मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल ऑफ 3, अच्छा मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा फिर ऑड नंबर, हाँ जी
515, ये 525, ये भी तो ऑड नंबर है ना। तो सर y इक्वल टू x हो गया, x क्यूब हो गया, x की पावर 5 हो गया। ओड मतलब जो कि 2 के मल्टीप्लाई में नहीं आते। ओके ठीक है, यस सर। ओके तो y इक्वल टू x हो गया, x क्यूब हो गया, x की पावर 5 हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है ये कि इट इज ऑलवेज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मीन्स क्या होता है? ऑड। ऑन टू। अच्छा, ऑन टू होता है, बिल्कुल। तो अगर मैं y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ अगर आपको बना के दूं, बताए कोई बताएगा मुझे y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ कैसे होता है? हाँ जी भाई, ये ऐसे कुछ जाएगा यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, एंड डाउन बिल्कुल ऐसे डाउन हो जाएगा। होगी, क्लियर? ओके उल्टा। बिल्कुल। तो अब बताइए कि भाई ये वन वन है कि नहीं है? वन ये वन है, है बिल्कुल, वन क्योंकि वन अगर हम एक है। हॉरिजॉन्टल अगर लाइन खींचेंगे तो वो एक ही जगह कट करेगी इसको। एक ही क्लियर बात है? आती है। यस बिल्कुल। तो सर। ये वन वन हो जाएगा, यस ठीक सर। है। यस अच्छा सर। जी, तो क्या अब ये मुझे बताइए कि क्या ये ऑन टू है? क्या ये ऑन टू है? ऑन टू के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे भाई? सबसे पहले चेक करेंगे इसका कोडोमेन क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि इसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या है भाई? एक्स क्यूब की, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। -infinity. बिल्कुल भाई, इसकी रेंज है वाई इक्वल टू, -infinity बिल्कुल ठीक है। तो भाई हमारा कोडोमेन भी वही है, रेंज भी वही है, क्लियर? तो कोडोमेन और -infinity. रेंज दोनों इक्वल हो गए, हो गए, Yes, है ना? sir. कोडोमेन एंड रेंज दोनों इक्वल हो गए, तो ये Equal. क्या हो जाएगा? On to. ऑन टू हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? ओके। लेकिन ये हर बार, अभी तो हमने क्या है कि स्पेसिफिकली एक्स क्यूब का ग्राफ लिया, एक्स क्यूब का एग्जांपल लिया है। अगर मैं एक और कोई देखूं, जैसे कि जस्ट अ सेकंड गाइस, एक और पेज चाहिए होगा हमें। ओके सो ओके अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल लू, जैसे कि मेरे पास एक ये पॉलिनोमियल है x-1 x-2 इंटू x-3। अच्छा मुझे बताइए इसकी डिग्री कितनी है भाई? डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री क्या होती है? सर हाईएस्ट हाईएस्ट पावर। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 है। बेटा मुझे तो बता दिया, प्रवीण सर को मत बता देना है। एक्स क्यूब। एक्स क्यूब भाई, तीनों को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, फिर x-1 को x-2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका x-3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? थ्री थ्री। आएगी, ठीक है, क्लियर। तो यस सर। अगर आप इसका ग्राफ बनाने देखोगे, इसका ग्राफ बनाते आता है किसी को भाई? ग्राफ तो सिखाया है ना आपको सर ने? यस अच्छा जी, सर। वैसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा यार ये। भाई देखो, x इक्वल टू 1 और ये 2 और ये 3। तो भाई बस इतने से चीज को देखो आप, ठीक है। इसमें बताओ कि अगर सिर्फ यही लूं मैं, तो अगर ये मुझे इस फंक्शन को जीरो करना होता, मतलब y की वैल्यू अगर मुझे जीरो चाहिए, तो मुझे x की वैल्यू क्या क्या लेनी पड़ेगी? जीरो। जीरो लेनी पड़ेगी। जीरो पर वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है भाई, डाल के देखो। 0-1 -1, 0-2 -2, 0-3 -3। तो -1 × -2 × -3, तो एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू बेटा -6 वैल्यू आ रही है। बिल्कुल, एक्स इक्वल टू 1 2 3 पर वाई का वैल्यू जीरो आएगा राइट भाई। अगर हमने एक्स इक्वल टू 1 रख दिया तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्लियर जीरो। है? और जीरो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? जीरो ही आता है जीरो। ना? तो वाई की वैल्यू जीरो आ गई, तो एक्स इक्वल टू 1 पर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। क्लियर? ऐसे एक्स इक्वल टू 2 पर भी बीच वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से भी जीरो हो जाएगा पूरा फंक्शन।
फिर ऐसे एक्स इक्वल टू थ्री अगर मैं पुट करूंगा तो तीसरा ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? तो ये एक्स इक्वल टू वन टू थ्री को हम इलेवेंथ में बोला क्या करते थे, कुछ बोला करते थे? रूट्स, ये x इक्वल टू वन टू थ्री को इस फंक्शन के लिए मैं क्या बोलूंगा, जीरोस या फिर रूट्स, क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या, जीरोस क्या क्या है, वन टू थ्री, तो ये वन टू थ्री पर जीरो आएगा, पक्का है ये तो, है ना? यस सर, क्लियर, यस सर। तो अगर हम ग्राफ बनाने देखेंगे तो वन टू थ्री पर ये जीरो आएगा, ओके जी। अगर अब मैं थ्री से बड़ा कुछ भी पुट करता हूँ इसमें तो फिर मेरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी भाई, अगर मैं एक्स इक्वल टू थ्री से, नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगी ना भाई, भाई एक्स इक्वल थ्री से बड़ा डाल दो, फोर डाल दो, फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव, फोर माइनस वन होगा तो प्लस का थ्री आएगा, तो फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव, सॉरी, अगर एक्स इक्वल टू फोर सेकंड ब्रैकेट में मैं पुट करूंगा तो वहां से क्या आएगा, फोर माइनस टू प्लस का टू आ जाएगा, थर्ड ब्रैकेट में भी प्लस आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली टोटल पॉजिटिव आ रहा है मेरे पास, क्लियर है? यस सर। तो एक्स इक्वल टू थ्री से अगर मैं बड़ा पुट करूंगा तो मेरा हमेशा वाई का वैल्यू प्लस में आएगा, क्लियर? यस सर, यस सर। तो वाई इससे ग्राफ ऊपर ऐसा कुछ जाएगा, ओके, ठीक है, यस सर। अच्छा जी, अब टू से थ्री के बीच में देख लेते हैं, क्लियर, या फिर इसका आपको मैम ने इलेवेंथ में भी एक तरीका बताया होगा कि भाई वन टू थ्री आप नंबर लाइन पर पुट करिए, और अब देखिए भाई तीन ब्रैकेट्स हैं, तीनों ब्रैकेट्स तो हम यहाँ पर सबसे लास्ट में, वेवी कर्व मेथड पढ़ा होगा ना बेटा आपने इलेवेंथ में, इनइक्वालिटी को हम सोल्व करते थे वेवी कर्व मेथड से, याद है? यस सर। तो हम अगर सभी में, सभी ब्रैकेट्स में एक्स का कोफिशियंट, एक्स की हाइएस्ट पावर का कोफिशियंट अगर पॉजिटिव है तो सबसे पहले क्या करते थे कि भाई जो राइट मोस्ट हमारी जगह है नंबर लाइन पर वहां पर प्लस मार्क कर देते थे, यही करते थे? यस सर, है ना? तो भाई थ्री के बाद हमने प्लस मार्क कर रखा है, अच्छा जी। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर इस ब्रैकेट में देखिए एक्स की पावर कितनी है, वन है, मतलब ओड है, इसमें भी वन है मतलब ओड है, राइट? तो सभी में पावर वन है ना? यस सर। तो अगर पावर ओड है भाई, यहाँ पर थ्री है, थ्री कहाँ से आया, एक्स माइनस थ्री से आया, हाँ जी बेटा, नेगेटिव साइन आएगा अगर पावर ओड हो तो, बिल्कुल, हम लाइक अल्टरनेटिव साइन लगा देते हैं वहां पे, प्लस का अगर होता है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो भाई थ्री है यहाँ पर, और थ्री कहाँ से आया था, एक्स माइनस थ्री से आया था, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके, क्लियर? एंड वापस यहाँ पे टू आया, तो टू जो है एक्स माइनस टू से आया था हमारे पास, है ना? तो इसमें पावर कितनी है, पावर है वन, वन क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो वापस से साइन चेंज होके माइनस प्लस हो जाएगा, एंड वन के बाद फिर वापस माइनस हो जाएगा। ये क्लियर है सभी लोगों को, मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया आप लोगों का, ठीक है? तो ये माइनस प्लस ऐसे चलेगा, तो भाई तीन से बड़े पे हुए वापस प्लस ही वैल्यू दे रहा है, मतलब ऊपर जाएगा ग्राफ, ठीक है? और सॉरी, और दो से तीन के बीच में कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो ग्राफ नीचे आएगा, क्लियर है? तो दो से तीन में ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा नीचे आएगा, ये क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर हुई? आप वैसे यहाँ पर कंफर्म भी कर सकते हो, आप दो से तीन के बीच में कोई भी नंबर डालकर देखो, जैसे कि 2.5, तो 2.5 अगर डालोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट पे आपका प्लस लाइक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्लियर है? 2.5 माइनस 1 तो 1.5 प्लस का आया, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है, राइट? यस सर। एंड सेकंड ब्रैकेट में अगर पुट करोगे तो x माइनस 2, दैट इज 2.5 माइनस 2 मतलब 0.5, वो भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? तो यहां से भी प्लस, यहां से प्लस, लेकिन थर्ड ब्रैकेट में हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 2.5 माइनस 3 एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, क्लियर है? यस सर। तो आप ऐसे कंफर्म कर सकते हो, वैसे कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी लाइक कंफर्म करने के बाद ही ये मेथड डेवलप हुआ है। दो से तीन के बीच में जो है ग्राफ हमारा नीचे जाएगा, एंड वापस वन से टू के बीच में कैसा साइन है बेटा, प्लस साइन है, ये प्लस है सर, है ना? वन से टू के बीच में यहाँ पर देखिए भाई, वन से टू के बीच में कैसा साइन है हमारा, प्लस साइन है, तो वापस ग्राफ कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये ग्राफ हमारा ऊपर चला गया। अरे
ये ग्राफ हमारा ऊपर चला गया, क्लियर? यस सर। ओके, अब वन से लेफ्ट साइड में हमारा साइन कैसा है? नेगेटिव साइन है। यस सर। तो नेगेटिव साइन है मतलब ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो ये आपका वाई इक्वल टू, ये जो फंक्शन है आपका, इसका ग्राफ रेडी है, यही ग्राफ आएगा। मतलब हम रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्ट हम यहाँ पर बना नहीं रहे, ठीक है, लेकिन दिखेगा आपको ऐसा ही। ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये वन वन है? क्या ये वन वन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये जाने कितनी बार कट कर देगा भाई? तीन बार कट कर दिया यहाँ पर तो। यस सर। ठीक है, तो ये वन वन नहीं है, लेकिन क्या ऑन टू है? यस यस ऑन टू है, बिल्कुल है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऑफ जो ऑड डिग्री है वो हमेशा सर्जेक्टिव होगा, इस बात की हम गारंटी आपको देते हैं, लेकिन नो जनरल कमेंट कैन बी गिवन ऑन इट्स इंजेक्टिविटी। मतलब कि ये इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो हम बता नहीं सकते। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो भाई क्लियर है सभी लोगों को? कोई डाउट? इवन डिग्री मतलब आग देख के हम बंद आग बंद करके बोल सकते कि वो ना तो इंजेक्टिव होगा और ना ही सर्जेक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन अगर ओड डिग्री का होगा तो हम ये तो बोल सकते हैं कि वो सर्जेक्टिव होगा, लेकिन हम उसके इंजेक्टिव या फिर वन वन के बारे में कुछ बता नहीं सकते। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। क्लियर है? दिमाग की परतें खुल रही है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है भाई, बस रोने मत लग जाना। नो सर। सर ठीक है जी। सर ओके। हाँ जी बेटा। सर जब आप ऑन टू और इन टू का डिफरेंस बता रहे थे ना, तो मतलब आपकी आवाज कट, नेटवर्क इशू की वजह से, तो मैंने आपको बोला नहीं, मैं टॉपिक खत्म कर देती फिर पूछूंगी, तो वो डिफरेंस आप एक बार रिपीट कर। ओके ओके, कोई बात नहीं मैडम। तो ऑन टू फंक्शन बेसिकली क्या है कि अगर आपकी रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हैं तो आपका जो है फंक्शन कौन सा होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर? यस सर। और अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, बेसिकली रेंज जो होता है वो आपका सबसेट होता है कोडोमेन का, कोडोमेन एक बड़ा सेट होता है एंड रेंज उसका छोटा सेट होता है, ठीक है, क्लियर? तो जो आपका सबसेट हो सकता है उसकी वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बड़े वाले सेट के बराबर हो सकता है, ठीक है, जैसे कि उसको सुपर सेट बोल सकते हैं, तो सबसेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा सुपर सेट के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, राइट? है ना भाई, जैसे कि आपका रियल नंबर एक सेट हो गया, राइट, जिसमें सारे रियल नंबर आते हैं, और एक आपका नेचुरल नंबर हो गया, तो नेचुरल नंबर जो है रियल नंबर का सबसेट है कि नहीं है? है ना? यस है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके, चलिए जी, सभी लोगों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके चलिए जी, तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लें हमारे फिर। तो भाई देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक सेट है जो कि जिसको हमने नाम दिया है सेट ए, वो कैसे डिफाइंड है, उसकी उसका डोमेन है क्या? माइनस वन टू वन, ठीक है, एक्स मतलब डोमेन एंड वाई मतलब क्या होता है? हाँ जी, कोडोमेन। बिल्कुल भाई, यहां पर क्या है, डोमेन दिया हुआ है आपको माइनस वन टू वन, डोमेन क्या दिया हुआ है? माइनस वन टू वन, और यहाँ पर देखिए भाई ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर इक्वल का साइन भी है ना, तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है जी। तो सेट ए ये हमारा है और सेट बी भी सेम ही है, ठीक है, तो को डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? अगर फंक्शन जो है वो ए से बी में डिफाइंड है तो ए हमारा हो गया क्या, हो गया डोमेन, और बी क्या हो जाएगा हमारा? को डोमेन, ठीक है, और सेट बी भी जो है सेट ए के इक्वल ही है, तो कोडोमेन भी बराबर हो जाएगा कोडोमेन के माइनस वन से वन, ठीक है जी, यहां तक क्लियर? ओके, तो फिर आगे क्या बोल रहे कि फिर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ए टू बी फाइंड वेदर इट्स सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। अच्छा, ये सर्जेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है, क्या है इसके बारे में आप बताइए, बेसिकली आपको इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव के बारे में कमेंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला अगर हम ले तो क्या है,
y इक्वल टू मॉड एक्स, भाई एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ओके हाँ जी yes, तो क्या फर्स्ट वाला हमारा जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, क्या ये इंजेक्टिव है, क्या ये वन वन है? नो सर नहीं है ना, ओके तो ये वन वन नहीं है, मतलब मैनी वन है, ठीक है yes, अच्छा ये ऑन टू है या नहीं है? ऑन टू के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इसकी रेंज, तो रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा भाई हमें, रेंज बताइए इसकी रेंज क्या आएगी, अगर इसका डोमेन माइनस वन से वन है तो इसकी रेंज बताइए क्या आएगी। हाँ जी अरे जल्दी बताओ भाई सर, इसकी वन से वन आएगी, वन से वन आएगी मतलब वन ही आएगी, सिर्फ वन ही आएगी। हाँ जी और कोई, दीपिका कुछ बोल रहे थे, जीरो वन, केवल वन, जीरो एंड वन बस। बेटा देखिए यहाँ पर ये माइनस एंड वन, माइनस वन एंड वन सिर्फ ये दोनों डिजिट नहीं है, माइनस वन से वन के बीच में जितने भी रियल नंबर है, ये क्लोज ब्रैकेट का वही मतलब होता है कि माइनस वन से वन के बीच में जितने भी हैं और माइनस वन एंड वन को इंक्लूड करके वो सभी आपके डोमेन है, ठीक है तो रेंज क्या होगा, माइनस वन से वन, रेंज माइनस वन से वन हो जाएगी। अरे भाई साहब जीरो, भाई देखिए आपका जीरो से वन, भाई आपका वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, है ना, बनता है कि नहीं बनता है? तो भाई अगर मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि भाई मुझे तो माइनस वन से वन के बीच में ही देखना है, अरे ओके तो माइनस वन से वन के बीच में ही अगर मुझे देखना है तो मुझे बताइए कि रेंज क्या है, रेंज मतलब ये वाई एक्सिस के ऊपर आपकी कितनी शेडो बन रही है, जीरो से वन के बीच में बन रही है? यस सर, क्योंकि भाई आप इसमें वन डालो या माइनस वन डालो मॉड एक्स में उसका आंसर कितना आएगा, प्लस वन आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, है ना, तो रेंज क्या हो जाएगी भाई इसकी, जीरो से वन, जीरो से वन। अभी तो किसी को डाउट नहीं है ना कि जीरो से वन रेंज कैसे आई? नो सर। ओके तो क्या रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हैं? नो सर। नहीं है तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन होगा, इनटू होगा, बिल्कुल ठीक है, इनटू मतलब नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है भाई, भाई जैसे कि यहाँ पर ऑन टू का इनटू हो गया, वहां पर सर्जेक्टिव का अगर हमको अपोजिट देखना है तो क्या बोलेंगे, नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है, और ऐसे इंजेक्टिव का देखना होता तो क्या बोलेंगे, नॉट इंजेक्टिव, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा जी तो अब सेकंड वाला आप मुझे बताइए, x into mod x या फिर, हाँ जी सेकंड वाला आप बताइए मुझे, f of x equal to x into mod x, बताइए कि ये वन वन होगा कि नहीं होगा या फिर मेनी वन होगा, क्या होगा, एंड ऑन टू होगा और इन टू होगा, क्या होगा भाई? सबसे पहले वन वन के ऊपर कमेंट करते हैं, तो वन वन के लिए क्या करें, हमारे पास तीन से चार मेथड होती है इसकी, ठीक है, या तो इसको ग्राफ बना लो या फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट तो हम कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते कोई बताएगा मुझे, मॉड, हाँ जी मॉड एक्स का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है तो वो वाला मेथड तो गया, तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, एंड मैपिंग के जरिए हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसके अलावा एक और मेथड आपने बोर्ड वगैरह में भी पढ़ी होगी कि f of x1 equal to f of x2 है, और तो ये अगर x1 equal to x2 होगा तभी 1-1 होगा, अदरवाइज अगर इसके अलावा और कुछ भी आता है तो वो क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, मेनी वन, हाँ जी,
ठीक है, तो बताइए अब ये क्या है, वन वन है कि मेनी वन है? हाँ जी, अरे बोलो भाई, मेनी वन है। किस क्यों बोला बेटा आपने मेनी वन? इसका ग्राफ बनाया किसी ने? हाँ जी, किसी ने ग्राफ बनाया इसका? भाई देखिए, कभी भी मोड वाले फंक्शन आ जाते हैं ना, तो हम उसको तोड़ लेंगे। क्या करेंगे उसको? हाँ जी, देंगे। तोड़ देंगे, ठीक है, मुक्के मार मार के तोड़ देंगे। तो क्या कैसे तोड़ेंगे भाई? मोड एक्स का काम क्या है मुझे बताओ, मोड एक्स का काम क्या है? सर वो पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव करके दे देता है। अच्छा जी, तो भाई अगर इसमें मैं एक्स पहले से ही पॉजिटिव डालूंगा, भाई जैसे कि एक्स मैंने वन डाला, तो उसको भी पॉजिटिव करके क्या ही देगा, वो तो पहले से पॉजिटिव है, ठीक है? तो वो एज इट इज रहेगा ना। हाँ जी, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो अगर मैं जीरो जीरो या जीरो से बड़े नंबर डालता हूँ तो मोड एज इट इज ओपन हो जाएगा, है ना, क्लियर है? यस सर, यस सर। तो एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यस सर, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अगर x नेगेटिव हो गया मतलब जीरो से छोटा हो गया, तो मोड x कैसे ओपन होता है? माइनस x होता है भाई। मोड x को अपन ऐसे लिखते हैं ना कि मोड x इक्वल टू x अगर x जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा है, लेकिन माइनस x अगर जीरो से छोटा है। ये दिक्कत नहीं है ना भाई? नो सर, नो सर। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये मोड एक्स को नेगेटिव के साथ ओपन करूंगा, तो एक्स इंटू माइनस एक्स, तो ये क्या जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, क्लियर? yes, अरे हाँ या ना बोलो? yes, है ना? yes, तो ग्राफ बना सकते हैं हम, इसका तो ग्राफ बना सकते हैं, बना सकते कि नहीं बना सकते? yes, sir. बना सकते हैं, बताइए कैसे बनाएंगे। हाँ जी, अरे बोलो भाई, देखो इधर देखो, जीरो से बड़े पे देखो आप, अभी नेगेटिव वाला भूल जाओ, ठीक है, जीरो या जीरो से बड़े पे देखो, तो जीरो या जीरो से बड़े पे वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वैल्यू है। अरे है yes, भाई, एक्स अगर जीरो या जीरो से बड़ा है तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई मतलब एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, करेक्ट? एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बनाते आता है सर हमें, है ना, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है जी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ही बनता है। अच्छा जी, अब अगर x हम जीरो से छोटा ले, है ना, तो क्या हो रहा है कि y की वैल्यू आ रही है माइनस का एक्स स्क्वायर, आ रही है? यस सर। तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है भाई? एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, अगर मैं आगे नेगेटिव साइन लगा दूं, तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा होगा ना? yes, तो कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, भाई क्या प्रॉब्लम है? अगर हम नेगेटिव लगा दे तो क्या होगा? अरे भाई ये वाई एक्स, ये जो एक्स एक्सिस के अबाउट है, ये पलट जाएगा। yes, sir. Yes, sir. ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा y का y इक्वल टू x स्क्वायर। हाँ जी, थोड़ा सा रिवाइज करिए, तो ये जो है y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, तो मुझे अब कौन सा वाला ग्राफ चाहिए जो जीरो से छोटा हो x, जहां पर तो इसी वाले पर x जीरो से छोटा है ना? यस सर। भाई इधर वाले पे तो जीरो से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर तो x पॉजिटिव है कि नहीं भाई? y एक्सिस के राइट साइड में तो x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होता है, राइट? यस सर। तो मुझे बस नेगेटिव साइड वाला चाहिए, तो बस मैं यही वाला ग्राफ उठाकर यहाँ पर लगा दूंगा। ये ग्राफ कैसे बनाया, सभी को क्लियर है? हाँ जी, यस सर। बेटा थोड़ा सा अगर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा आपको जो है घर पे जाके देखना पड़ेगा कि ये लाइक बनाया कैसे, थोड़ा सा आप रिवाइज करिए एकदम, जैसे आपकी क्लास एंड हो जाती है उसके बाद आप नोट्स को रिवाइज किया करो, ठीक है, तो वो ज्यादा जल्दी आपके लाइक दिमाग में जाएगा।
ओके यस सर यस सर। हाँ जी, तो भाई देखिए ये येलो वाला ग्राफ है, इधर वाला तो एक्स पॉजिटिव है मेरा, तो मुझे पॉजिटिव से मतलब ही नहीं है, मुझे किससे मतलब है, सिर्फ नेगेटिव एक्स से। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स कहाँ कहाँ दिख रहा है मुझे, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, यस सर, है ना। तो मेरे को सिर्फ यही वाला ग्राफ चाहिए जो कि लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो मैंने वो उठाकर यहाँ पर लगा दिया, दैट्स इट। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। ओके, तो अब बताइए कि ये वन वन है कि मेनी वन है? वन वन। वन वन बिल्कुल, क्योंकि भाई मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल कोई भी करूंगा बिल्कुल, तो ये एक ही बार कट करेगी, और इस लाइन को हम बोलेंगे क्या, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन बोलते हैं, एक्स एक्सिस की जो पैरेलल आती है ना, क्योंकि इसमें वाई का वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है। क्लियर? यस सर। ओके, सो ये एक ही बार कट कर रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वन वन। ठीक है, एंड क्या ये ऑन टू है? हाँ जी, क्या ये ऑन टू है? मुझे कहां से कहां तक देखना है भाई, डोमेन क्या है मेरा इस क्वेश्चन के लिए, डोमेन क्या है, डोमेन क्या है भाई? माइनस वन से वन, तो माइनस वन लेट सपोज यहाँ कहीं होगा और वन कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो माइनस वन से वन के बीच में ही आपको सिर्फ ग्राफ देखना है, सिर्फ माइनस वन से वन के बीच में। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इसकी रेंज क्या है माइनस वन से वन के बीच में। इसमें रख दीजिए भाई, अगर आप माइनस वन पुट कर रहे हो तो नीचे वाले में पुट कर दीजिए, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो वाली डेफिनेशन फॉलो करनी है हमें। ठीक है, क्लियर? तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पर वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का वन आएगा ना बेटा, एक्स स्क्वायर में अगर माइनस वन पुट करोगे, एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन, एक्स स्क्वायर से वैल्यू आएगी हमारी प्लस वन, लेकिन आगे एक और माइनस लगा है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का वन, माइनस वन। ठीक, और इसी तरीके से अगर मुझे एक्स इक्वल टू वन पुट करना है तो इसमें सिंपली पुट कर दूंगा, तो एक्स इक्वल टू वन अगर पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वन। ठीक, तो मेरी रेंज क्या आ गई बेटा, रेंज क्या आ गई, जीरो से वन आई, माइनस वन से वन। अरे भाई मुझे माइनस वन से वन के बीच में ग्राफ देखना है ना, तो ये जो मैंने अभी रेड लाइन जिस पर ड्रॉ करी है वो मेरा जो है सिर्फ उतना ही ग्राफ में देखूंगा, तो यहाँ पर रेंज कितनी आ गई सर, माइनस वन से वन। बिल्कुल, और को डोमेन भी वही है, तो यहाँ पर को डोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट? ओके, हाँ जी, तो हमारे क्वेश्चंस कहाँ पर गए? ओके, तो बेटा फिर आप ये लोग घर पे करके देखना, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्स क्यूब वाला। एंड आपने जीआईएफ फंक्शन पढ़ा है ना, तो ये y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, gif को हम और कैसे पढ़ते हैं, बॉक्स ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का भी आपको देखना है। ठीक है, e आप ट्राई करके जरूर आना, हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन e वाला आप ट्राई करके जरूर आना। ठीक है, यस सर। ओके, आप जिस मेथड से ट्राई करने का ट्राई करो उस मेथड से करना। ठीक है भाई, चाहे डेरिवेटिव वाला कर लो sin pi x / 2 का, या फिर ग्राफ बना लो, ग्राफ अगर बनाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगा भाई, अगर इसका ग्राफ बना लिया आप लोगों ने। ठीक है, ओके सर, यस, ओके जी, चलिए आज के लिए सभा खत्म करते हैं। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस सर, बाय, गुड नाइट। ओके, एंड बेटा प्लीज, या मेरा नाम, ओके, या भूपेंद्र मोदी मेरा नाम है। ठीक है, आपने 11 से मेरे से जरूर नहीं पढ़ा होगा, हमने पढ़ा। क्या है आपका नाम? जी भूपेंद्र मोदी। ओके, ओके, वैसे मेरे मोदी जी मेरे किसी रिलेशन में नहीं लगते हैं, आप उनकी बुराई कर सकते हो मेरे सामने। ओके, चलिए जी, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, बाय बाय। Bye.
बाय सर. गुड नाइट सर. थैंक यू सर. नाइट. बाय बाय. या वेलकम. बाय बाय बेटा.